बढ़ते प्रदूषण पर एक्शन में आतिशी सरकार दिखाई दे रही है। सुबह सुबह मुख्यमंत्री आतिशी आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंची और एंटी डस्ट अभियान का उन्होंने निरीक्षण किया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आतिशी ने एंटी डस्ट अभियान का निरीक्षण किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंची और वहां हालात का जायजा लिया, क्योंकि यहां पर जो AQI है वो खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिश तमाम जो है वो फिलहाल नाकाफी नजर आती है। आतिशी सुबह सुबह आनंद विहार बस स्टैंड पहुंची और वहां पर एंटी डस्ट अभियान का उन्होंने निरीक्षण किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए, हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, पर यह सच्चाई है कि हरियाणा अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट यमुना में डालता है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन यह सच्चाई है कि यूपी अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट इस समय यमुना में डालता है। वो जब छठ का सीज़न आता है तो वो आगरा कनाल के गेट्स बंद कर देते हैं कि उनका सारा अनट्रीटेड वेस्ट यमुना जी में आए। आनंद विहार एक ऐसा हॉटस्पॉट है जहां पर दिल्ली में हाईएस्ट AQI लेवल होता है, इसीलिए आज यहां पे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी और मैं यहां पे व्यक्तिगत तौर पर खुद आए हैं आनंद विहार में जो सारे पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं उनका जायज़ा लेने के लिए। कई कदम यहाँ पे लोकली उठाए गए हैं। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली एंटी स्मॉग गन्स चल रही हैं। जो यहाँ के सारे सर्विसेज हैं उनको गीला रखा जा रहा है, सड़कों को गीला रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की डस्ट ना हो। आनंद विहार के पास जो जो सड़कें, चाहे वो किसी एजेंसी की हो, चाहे वो MCD की हो, चाहे वो PWD की हो, चाहे NCRTC उन्हें कंट्रोल कर रहा है, चाहे GTIDC उनको देख रहा है, सारी सड़कों का रिपेयर करवाया गया है। दिल्ली में हवा से लेकर पानी तक सब कुछ प्रदूषित है। यमुना नदी के ऊपर झाग की मोटी परत दिखाई दे रही है और यकीन करना मुश्किल है कि ये यमुना ही है या फिर कुछ और है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने पैसे खर्च होने के बावजूद यमुना नदी का पानी इतना खराब क्यों है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की माने तो पिछले साल के मुकाबले इस साल यमुना का पानी और भी ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। तस्वीरें आप खुद देखिए और समझिए कि हालात कैसे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यमुना में ये जहरीला झाग नजर आ रहा है। हवा प्रदूषित पहले से ही है और पानी भी जहरीला हो चुका है। ये हर बार ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। अब खुद ये रिपोर्ट बता रही है, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का खुद कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल यमुना का पानी और भी ज्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। सुबह की तस्वीर आप देखिए, यमुना में झाग का सैलाब नजर आ रहा है। और इसके बाद जो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो 19 अक्टूबर और 18 अक्टूबर की तस्वीर है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि हालात सुधरे नहीं है। ये 3 दिन की तस्वीरें और ये बता रही है कि कैसे यमुना का पानी और जहरीला होता जा रहा है। आगे आपको बता दें कि छठ का त्यौहार भी आएगा और फिर खूब सियासत भी इसे लेकर होगी, लेकिन तमाम पैसे खर्च किए जाते हैं लेकिन असर जो है वो, रिजल्ट जो है वो यमुना नदी में दिखाई नहीं देता है। हर बार की ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। और दिल्ली सरकार का ये कहना कि यमुना का पानी अगर प्रदूषित हो रहा है तो इसके पीछे हरियाणा और यूपी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वहां से जो वेस्ट है वो पानी में छोड़ा जा रहा है।